नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मेरे साथ जो ये टनल आप देख रहे हैं, ये मुंबई की आन बान शान को और बढ़ाने वाला है, या यूं कहें मुंबई शहर के सर पर एक और ताज शोभायमान होने वाला है, जिससे मुंबई ही नहीं भारत का नाम भी रोशन होगा। जी हां, मुंबई में जल्द शुरू होने वाली है देश की पहली अंडर वाटर टनल। ये कैसी होगी, ये कहां से कहां तक जाएगी और इस टनल के बनने से आम जनता को क्या फायदा होगा, इन सारे सवालों से आज हम उठाएंगे पर्दा। देश को जल्द ही समुद्र के नीचे बने पहले सुरंग का तोहफा मिलने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर तक आम जनता के लिए यह खुल जाएगा। इस सुरंग का निर्माण मुंबई में हो रहा है। इस सुरंग को बीएमसी द्वारा बनाया जा रहा है। यह टनल मुंबई तटीय सड़क परियोजना मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यानी एमसीआरपी का एक हिस्सा है, जिसकी कुल लागत 12,721 करोड़ रुपए है। इस सुरंग की शुरुआत के बाद मुंबई वासियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और यात्रा में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना एमसीआरपी के हिस्से अंडर वाटर सी टनल की कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर की होगी। इसकी खासियत यह है कि इसे समुद्र के नीचे बनाया जा रहा है। इस सुरंग को गिरगांव यानी मरीन ड्राइव से आगे शुरू होकर अरब सागर के अंदर से पार होते हुए मालाबार हिल के नीचे होकर प्रियदर्शनी पार्क तक जाएगी। इस सुरंग के जरिए 45 मिनट का सफर केवल 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुरंग का डायमीटर 12.19 मीटर का है। एक खास बात यह है कि इस सुरंग का 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र से करीब 20 मीटर नीचे है। इस सुरंग की शुरुआत और अंत का हिस्सा साइबर ग्लास से बना है। अधिकारियों के मुताबिक इस टनल का 93% तक का काम पूरा हो चुका है, यानी मुंबई वासियों का सफर अगले साल से पहले ही काफी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन की एक कंपनी की मदद से यह टनल बनाया गया है। इस सुरंग में कुल 9 रास्ते होंगे। हर सुरंग में 3.2 मीटर की 3 लेन होगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन यानी कि TBM का इस्तेमाल किया गया है। अब कहने को यह प्रोजेक्ट नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें भारत चीन के बीच तनाव भी मुख्य कारण रहा, लेकिन अब यह देश के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। आपको यह खबर कैसी लगी, आप कमेंट्स के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।